नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो रही है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना करने का विशेष विधान है। 9 अप्रैल यानी कि आज से लेकर 17 अप्रैल तक 9 दिनों तक शक्ति की उपासना की जाएगी। पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही मुहूर्त का बड़ा महत्व माना जाता है। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में करने से माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं। तो आज से शक्ति की उपासना का महापर्व शुरू हो चुका है। 9 दिन 9 देवियों की पूजा अर्चना की जाएगी और इसको लेकर पूरे देश में उत्साह देखने को मिलता है, उमंग देखने को मिलती है भक्तों में। और इसके अलावा 9 देवियों की 9 अलग अलग दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है, अलग अलग प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। माता को खुश करने के लिए भक्त पूरा प्रयास करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता देखने को मिलता है। माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर माता की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई है, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए लोग। और साथ ही साथ कलश स्थापना करने के बाद शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मंदिरों में भारी भीड़ भी देखने को मिलती है। तो माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं और 9 स्वरूपों की इन 9 दिनों में पूजा अर्चना की जाएगी और साथ ही साथ माता रानी के विशेष कृपा पाने के ये दिन होते हैं। चैत्र नवरात्रों की आज से शुरुआत हो चुकी है और आज के दिन माता की पूजा अर्चना करके पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। मां शैलपुत्री जो कि हिमालय राज की पुत्री थी और गृह पर सवार रहती हैं, जिनके एक हाथ में त्रिशूल तो बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण रहता है। मान्यता है कि इनकी पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और साथ ही साथ इनकी उपासना करने से चंद्रमा के बुरे प्रभाव को भी दूर किया जा सकता है। तो आज ऐसे में पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। विशेष उनको प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है ताकि जो भक्त हैं वो माता की असीम कृपा प्राप्त कर सकें। तो चैत्र नवरात्रों की आज से शुरुआत हो चुकी है और नवरात्रि के 9 दिन विशेष होते हैं। ऐसे में माता की पूजा अर्चना कर मां के 9 स्वरूपों की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है और विशेष विधान होता है। 9 अप्रैल से यानी कि आज से नवरात्रों की शुरुआत हुई है और 17 अप्रैल को नवरात्रि पूरे होंगे। यानी ये 9 दिन विशेष पूजा अर्चना के होते हैं, मां के आशीर्वाद प्राप्ति के होते हैं। तो आज नवरात्रि के पहले दिन पूरे देश भर में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है और ऐसे में हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग मंदिरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तस्वीरें हमारे साथ साझा कर रहे हैं कि आखिर आज का दिन कैसा महसूस हो रहा है मंदिरों में भक्तों को पहुंचने के बाद। लखनऊ से हमारी संवाददाता स्कंदिता हमारे साथ जुड़ी हुई है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर से पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली के झंडेवालन मंदिर से आस्था तिवारी हमारे साथ जुड़ी हुई है और मुंबई से फरियल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हरिद्वार से सुमित सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्कंदिता, लखनऊ में कैसे इस वक्त मंदिरों को सजाया गया है और भक्त कैसे वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उनमें उत्साह उमंग आज पहले दिन देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आपको बता दें चैत्र नवरात्रि का आज प्रथम दिन है, मां शैलपुत्री का दिन है और लखनऊ की अगर बात कर ली जाए तो लखनऊ के लगभग सभी बड़े मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। चाहे बड़ी काली जी मंदिर की बात कर ली जाए या फिर कालीबाड़ी मंदिर की बात कर ली जाए। फिलहाल हम आपको बता देते हैं, इस वक्त हम लखनऊ के बुहियन देवी मंदिर में मौजूद है जहां पर आप देख सकती है कि लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्त जो है वो दर्शन के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं।
और आज पहला दिन है माँ शैलपुत्री का और आप देख सकते हैं किस तरीके से माता का श्रृंगार किया हुआ है और भक्त लगातार यहाँ पर जो है वो चढ़ाने के लिए तमाम सामग्री लेकर आ रहे हैं, जिसमें पुष्प मालाएं हैं, नारियल है, सुहाग का सामान है जो अधिकतर माता को चढ़ाया जाता है, तो वो सारा सामान लेकर भक्त यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आज पहला दिन है माँ शैलपुत्री का, क्या कहना चाहिए, कितनी आस्था है माता के साथ? मैया के साथ हमको बहुत आस्था है कि सब पे ऐसी कृपा बना के रखे हैं। बहुत अच्छा उपवास है, कि सब अच्छे से सबकी अरदास सुने, सब लोग कहें, अब जो भक्त आते हैं उनके लिए सबके लिए अच्छी माता रानी सबका पूरा करे। हमसे कितनी भक्तों की भीड़ आ रही है? अरे बहुत आ गई है, सुबह से समझो 5 बजे से सभी आ रहे हैं। मंदिर के बारे में जान लेते, कितनी प्रसिद्ध है मंदिर? वहाँ सामने लिखा आप पढ़ लीजिए और क्या कहते हैं, और सब अच्छा, अष्टमी नवमी भी अच्छा चलता, हर चीज भक्त आते रहते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं कि माता के दर्शन कर लीजिए कि किस तरीके से अपने दर्शकों को दर्शन कराना चाहेंगे माता रानी की, किस तरीके से पहले दिन माता। चलिए ठीक है, पीयूष कालका जी मंदिर में क्योंकि विशेष महत्व है, दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो जितने भी भक्त हैं कालका जी मंदिर पहुंचते हैं माता की विशेष पूजा अर्चना के लिए, ऐसे में क्या कुछ वहां पर जो भक्त पहुंच रहे हैं मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि आज महज एक संयोग भी है कि 9 तारीख है और नवरात्र की शुरुआत आज से हो रही है और कालका जी मंदिर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां तक संभव हो पा रहा है हम आपको अंदर तक की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां पे तमाम जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए, यहां पे पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यही वो मंदिर है, जहां तक संभव हो पा रहा है हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से हम नहीं चाहते हैं कि अव्यवस्था हो या हमारी वजह से किसी परेशानी हो। ये तस्वीरें आप देखिए कि यहीं पर माँ कालका जी का मंदिर है और यहीं पे लोग दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और इस तस्वीर से अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे भक्तों की कितनी भीड़ है, क्योंकि पूरी तरीके से मंदिर प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई है किसी भी तरीके से यहाँ पे लोगों को दिक्कत ना हो, और हम बातचीत भी करेंगे, पंडित जी हमारे साथ हैं और यहाँ पे आपको तस्वीरें और भी दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पे और भी जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, चाहे बच्चे हो, जवान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और माँ कालका के दर्शन कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है और हम बात करेंगे कितनी भीड़ है यहाँ पे। भाई आज बहुत भीड़ है, पहले के मुकाबले आज के टाइम पे ज़्यादा भीड़ है। क्या महत्व है इस मंदिर का? मंदिर का महत्व सब माई से मिलने आते हैं भाई, अपनी श्रद्धा और प्यार है। तो आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से माँ कालका जी के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और काफी संख्या में यहाँ पर भीड़ है और देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे अभी भी कतारें लगी हुई हैं, सुबह से ही कतारें लगी हुई हैं और करीब 5 से 6 जो लाइनें हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं, दिल्ली पुलिस की ओर से भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। हालांकि जो भक्त हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं और कोशिश यही प्रशासन की ओर से भी या मंदिर प्रशासन की ओर से की जा रही है कि भक्तों को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, क्योंकि ये जो नवरात्र का दिन होता है वो अपने आप में हिंदू आस्था के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होता है, लोग उपवास रखते हैं, आस्था का एक बड़ा संगम देखने को मिलता है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। फरियल, आप जिस मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं वहां किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उनसे जरा बातचीत करिए, उनका अनुभव जानिए कैसा है। मंदिर में जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज किस तरीके का माहौल यहाँ पर चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पर देखने को मिल रहा है, हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु और भक्तगण है वो यहाँ पर मौजूद है। ना सिर्फ मंदिर के अंदर बल्कि मंदिर के बाहर के परिसर में 3 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी लाइन है भक्तगण की, जो यहाँ पर मुंबई देवी प्रसिद्ध मंदिर है उनके दर्शन करने पहुंचे। आपको बता दें कि मुंबई देवी मंदिर है यहाँ पर, जहाँ पर ना सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र से बल्कि देश भर के लोग जो है यहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। मुंबई देवी को कुल देवी के रूप में भी माना जाता है। नवरात्रि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर को पूरा सजाया गया है, किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। और आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर ऐसा मंदिर जो है वो खास तौर
के वक्त में जो वैसे देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करना के देखेंगे कि उनके दर्शन कैसे जा रहे हैं और किस तरीके से ये पूरा महल चल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी हम जाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख सकोगे कि यहाँ पर पुजारी लोग भी मौजूद है, वो सारे लोग जो है भक्त यहाँ पर आए हैं, उनको दर्शन की सुविधा देने के लिए यहाँ पर सारे लोग मौजूद है। यहाँ पर लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जाना चाहेंगे। कहाँ से आए हो आप? बिहार से दर्शन करने के लिए आए हो? आप कहाँ से आ रहे हो? गोरखपुर, यूपी गोरखपुर। दर्शन करो, कितने बजे से खड़े थे लाइन में? कितने बजे से लाइन में खड़े थे? 7 बजे से। यहाँ पर और भी कुछ हो गया उनके दिल्ली से, दिल्ली के झंडेवाला मंदिर से हमारे साथ आस्था तिवारी भी जुड़ी हुई हैं। आस्था, झंडेवाला मंदिर में इस वक्त किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है और जरा वहां पर जो भक्त आए हैं उनसे भी उनका अनुभव जानिए कि आज पहले दिन माता के दर्शन करने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन से कहूंगे कि आपको उस तैयारियों को भी दिखाएं और उसके साथ ही साथ यहां पर आने वाले हर वो भक्त किस तरीके से यहां पर माता रानी की एक झलक पाने को आतुर हैं और यहां पर पहुंचे हैं कि माता रानी की एक झलक मिल जाए। तो आइए भक्तों से भी बात करते हैं और आपको बताते हैं कब से आ रही है दर्शन करने। काफी साल। कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा लगता है। व्रत है पूरे? हाँ जी। नवरात्रि के पहले दिन आइए, कैसा लगता है? अच्छा लगता। क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर में? बहुत। क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर? सब जो बाबा जो है करीब 35-40 साल से। मुरादें पूरी होती हैं? हाँ होती हैं, बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल होती हैं, पूरी होती हैं, एकदम होती हैं। मैडम, माता रानी के दर्शन करने के इतने इच्छुक हैं कि मतलब कुछ भी मांगने से पहले ना वो पूरा कर देते हैं, सिर्फ सोचने की देर होती है मन में, उनको याद करके वो अपने आप ही पूरा कर देती है। तो इसीलिए मैं तो बहुत माँ से इतनी मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास उनके लिए कहने के लिए। माँ बस माँ ही है, जो भी उसे सच्चे मन से याद करेगा वो जरूर उसकी इच्छा पूरी करेगी और हर सुख देती है। माता हर सुख देती है, हर सुख देती है, हर सुख देती है। देखिए भक्तों पे जो है आंसू भी देखे जा रहे हैं, कब से आए दर्शन करने? बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। बहुत भीड़ भी देखने को, बहुत ज्यादा, बहुत कुछ जमाने, बहुत कुछ जमाने। माँ का थैंक यू है, बहुत बढ़िया। माँ का थैंक यू है हर तरफ से। ठीक है, तो देखिए व्यवस्थाएं जो है ठीक है। कहाँ से आए दर्शन करने? करोलबाग। करोलबाग से आए? तो रोज ही आते होंगे, तो नजदीक है। यस। आज नवरात्रि का पहला दिन है और दर्शन करने आए? इट्स वेरी ऑस्पिशियस, इट्स वेरी ऑस्पिशियस डे टू हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ महारानी। क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की? वेलवेयर ऑफ द अंडर वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। ठीक है आस्था, भक्तों का अपना अनुभव है और माता के दर पर पहुंच रहे अपनी मुरादों को लेकर। हरिद्वार से हमारे साथ सुमित भी जुड़े हुए हैं। सुमित, हरिद्वार में इस वक्त किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है नवरात्रि के पहले दिन? बिल्कुल दीपिका, आज नवरात्रों का पहला दिन है और तमाम जगह तमाम मंदिरों में श्रद्धालु भक्त माँ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये मायादेवी मंदिर है, हरिद्वार के अधिशासी देवी मंदिर भी कहा है ये, और ये मायादेवी मंदिर है। आप देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालु लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं और माँ का दर्शन कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि आज के से नवरात्रों के का पहला दिन है और जिसके चलते तमाम मंदिरों को भी सजाया गया है और माँ के 9 स्वरूपों की 9 दिन तक लगातार पूजा की जाएगी। बिल्कुल सुमित, एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए कि मंदिर को जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि सजाया गया है, भक्त भी पहुंच रहे हैं, नजारा कैसा देखने को मिल रहा है आज पहले दिन नवरात्र के? बिल्कुल ये मायादेवी मंदिर है, हरिद्वार के अधिशासी देवी भी कहा जाता है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, 52 शक्तिपीठों में से एक ये शक्तिपीठ है, क्योंकि इसकी प्राचीन मान्यता है। मान्यता के अनुसार जो
जो माँ सती थी, जो माँ सती थी उनकी, जो उन्होंने यहीं पर अपने देह त्यागी थी, क्योंकि ये देखिए मंदिर का कितना, मतलब सुबह से ही श्रद्धालु आ रहे हैं और हैं, और ये मंदिर को किस तरह से सजाया गया है। ये एक शक्तिपीठ है जिसमें हर यूं तो यहाँ पर रोजाना ऐसी ही भीड़ रहती है, लेकिन जो जब जब नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है, और यहाँ पे काफी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर हरिद्वार में पहुंचते हैं। बिल्कुल, इसके अलावा वहाँ जो लोग मौजूद है, श्रद्धालु आए हैं, एक बार समय हो पाए तो उनसे बातचीत करिए, उनका भी अनुभव जानिए। सुमित, बिल्कुल, यहाँ पे श्रद्धालु भी, क्या नाम है आपका? शर्मा है। कहाँ से आए? हैदराबाद से। हैदराबाद से। कैसा आज नवरात्रों का पहला दिन है और आप ऐसे शक्ति पीठ पे यहाँ पर है, कैसा अनुभूति हो रही है? अच्छा है, अच्छा भगवान को देखे, देखा अच्छा है। ठीक है पीयूष, कालकाजी मंदिर के अगर जिस तरह से आपने व्यवस्थाएं दिखाई हैं कि आज बड़ी संख्या में कालकाजी मंदिर लोग पहुंच रहे हैं माता के दर्शन के लिए, ऐसे में अगर साज सजावट की बात की जाए तो आज विशेष क्या कुछ साज सजावट में किया गया है मंदिर प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, हमेशा से ही मंदिर में साज सजावट रहती है, लेकिन जिस तरीके से साज सजावट में चार चांद ये भीड़ लगा रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, वो अपने आप में खास है, क्योंकि इस मंदिर की पुरानी मान्यता है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जय माता दी के यहाँ पे उद्घोष इस तरीके से किया जा रहा है, और लोगों का मानना है कि जो भी यहाँ पे दर्शन करने आता है, वो कहीं ना कहीं जो भी मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। और ये आप व्यवस्थाएं देखिए कि किस तरीके से तमाम जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे पूजा करने पहुंची हुई हैं, और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो माँ कालका के दर्शन, बिल्कुल माँ कालका का आशीर्वाद लेते हुए सभी लोग नजर आ रहे हैं आस्था, क्योंकि झंडेवाला मंदिर में भी विशेष तरह की तैयारियां की जाती है। नवरात्र के आने से पहले ही प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट जाता है। एक बार जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए कि आज पहले दिन नवरात्र का जो आज से आगाज हुआ है, मंदिर प्रशासन की ओर से मंदिर को किस तरह से भव्य और दिव्य रूप दिया गया है। बिल्कुल दीपिका जी, अगर बात की जाए तो सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व एक ही बहुत अलग ही महत्व रखता है, और उसकी तैयारियों की बात की जाए तो झंडेवालन में आपको दिखाएंगे पूरे तरीके से फूल सजावट से इस मंदिर को सजाया गया है, चारों तरफ की रोशनी से जगमगाता हुआ ये मंदिर आप देख सकते हैं। और अगर बात की जाए तो मंदिर का उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, पुष्पों के साथ में हर वो तरह के जो माता रानी को पुष्प पसंद है, गुलाब के फूल उसे भी माता रानी को सजाया गया है। और यकीनन पर अगर आप देखना चाहेंगे तो वहां पर भी मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी जूम करके दिखाएं कि वहां पर श्री राम मंदिर की अगर बात की जाए, अयोध्या का वो राम मंदिर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा अभी 22 जनवरी को हुई है, और यहां पर उसका एक दर्पण यहां पर दिखाया गया है चित्रों के माध्यम से। और यकीनन तौर पर उधर देखा जाए तो जिस तरीके से गाना बजाना और भजन कीर्तन चल रहा है वो यहाँ की तैयारियों को जो है चार चांद लगाते हुए भी दिख रहा है, क्योंकि नवरात्रि पर्व की जब बात आती है तो नवरात्रि का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और उसी के साथ ही साथ हर भक्तों की एक अपनी आस्था देखने को मिलती है। और जब झंडे वालन की बात करी जाए तो यहाँ का एक अपना ही 18वीं सदी से इतिहास रहा है, और इस इतिहास को जगाते हुए यहाँ पर हर साल जो है कुछ नए अंदाज में माता रानी का स्वागत किया जाता है, माता रानी के उन 9 स्वरूपों को पूजा जाता है, जिन 9 स्वरूपों की बात उस शक्ति की, उस माँ कात्यायनी की, उस माँ जगदम्बा की हम लोग लगातार करते हुए आते हैं, और ये 9 दिन बहुत ही अहम दिन माने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर व्यवस्थाओं की बात करें आस्था तो किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में आज लोग पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर चाक चौबंद किया गया है, क्योंकि भक्त जो है बहुत दूर से आ रहे हैं। और अगर मंदिर प्रांगण के भीतर की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्तों के लिए यहाँ पर सेवादार मौजूद है जो उनको लाइन बाय लाइन उनको ला रहे हैं। और अगर प्रशासन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि वहां पर भी महिला पुलिस मौजूद है ताकि कोई भी घटना ना घटित हो, क्योंकि भीड़ की तादाद ज्यादा है, हर कोई मंदिर प्रशासन भी तैयारी में जुटा हुआ था। फरियल, अगर बात
मुंबई की जाए तो जिस तरह से अभी आपने श्रद्धालुओं से बातचीत भी की है, उनका अनुभव भी साझा किया है, मंदिर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी की गई हैं, लेकिन आज जब लोग पहुंच रहे हैं तो वो तैयारियां कैसी लग रही हैं, कैसे मंदिर को दिव्य रूप दिया गया है और फिलहाल क्या कुछ माहौल है मंदिर में? जी बिल्कुल, अगर आप मंदिर प्रशासन की तैयारियां देखोगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग मौजूद है, वॉलंटियर्स मौजूद है जो लोगों को गाइड कर रहे हैं बड़ी तादाद में, हजारों की संख्या में लोग जो है वो आज से नौ दिन जो लगातार इस मुंबई देवी मंदिर में जो है वो दर्शन के लिए आते हैं, उन्हें जो है उनके दर्शन आराम से हो सके इसीलिए ना सिर्फ वहां से बल्कि देश भर के श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आते हैं, इसलिए वॉलंटियर्स जो है मुल्क इनकी सुविधा है जो है दर्शन जो है आसानी से जो उनकी तैयारी कर सकते हो। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से सजावट की गई है, किस तरीके से सुविधाएं जो यहाँ पर जो उपलब्ध कराई गई है, यहाँ पर जो है पंडित जो मौजूद है जो लोगों के दर्शन के लिए जयकार जो है लगाए जा रहे हैं और किस तरीके से हजारों की तादाद में ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे और बूढ़े भी जो है यहाँ पर लंबी कतार में खड़े होकर जो है सुबह 6-7 बजे से लोग जो है कतार में खड़े हुए थे, फिर एक दर्शन जो है वो यहाँ पर मुंबा देवी के पानी के लिए खड़े हुए। ठीक है फरियाल, भक्तों का एक बड़ा जनसैलाब आज मंदिरों में देखने को मिल रहा है, सभी लोग अपनी आस्था लेकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें साझा करने के लिए। तो आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और पहले दिन माता की विशेष पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।